नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से अन पहले बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। इसी सिलसिले में गुरुवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात भी करी। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी यूपी चुनावों के मद्देनजर मंथन हुआ। यूपी चुनाव के हर एक पहलुओं पर चर्चा की गई। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, विधान परिषद के उम्मीदवार, संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा, साथ ही चुनाव में सहयोगी दलों को साथ लाने पर जोर दिया गया है। तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस समय योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली में मौजूद थे उस दौरान की, और दूसरी तरफ आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें हैं। अगले 15 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें ये मानी जा रही है, और जो संभावित चेहरे हो सकते हैं वो भी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम कयासों का दौर चल रहा है, और इस बीच मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने जोर पकड़ा। फिलहाल 4 एमआरसी के नाम जो है वो फाइनल हो गए, ये कहा जा रहा है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कल और शाम को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे, आज सुबह वो प्रदेश की राजधानी आ गए, और प्रदेश की राजधानी आने के बाद जो कल जो बैठकों में जो फैसला हुआ है उसको लेकर के उन्होंने तमाम फैसले ले लिए हैं। और आपको बता दें, लगातार बैठकों का मतलब जो मैराथन बैठकें हैं, लगातार दौर चल रहा है, और जैसा कि उन्होंने फैसला लिया उसके मुताबिक आपने भी 4 एमएलसी के नाम तय है, उसमें पूरी तरह से जाति समीकरण को ध्यान रखा गया है। और आपको बता दें कि जो जाति समीकरण है, जतिन प्रसाद ब्राह्मण से है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसी प्रकार संजय निषाद जो है वो निषाद पार्टी के नेता है, गोरखपुर के साइड को बिलोंग करते हैं। तो चौथा जो नाम होगा वो, चूंकि राजनीतिक समीकरण देखने हैं और पूरी समीकरण देखने के नाते जो चौथा नाम होगा वो किसी अनुसूचित जनजाति का होगा, ताकि ताकि सारे लोग समावेश हो सके। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं विधानसभा के सामने, उसके ठीक बगल हमारे ठीक दाहिने तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय इतना विश्वास में है कि सड़क पार करने के बाद ही उनके सामने सत्ता है, और सत्ता पाने के लिए अब उनको ज्यादा दूरी पार नहीं करनी होती, एक सड़क का दूरी है। तो आप बता दें, जिस तरीके से नए मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, तो उसमें भी किसी प्रकार के जाति समीकरण को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल 4 एमएलसी के नाम फाइनल हुए हैं, इस बात का जिक्र निकल करके सामने आ रहा है। संभावना है इस बात की कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, हालांकि इतना समय नहीं बचा है, लेकिन जातीय समीकरण को साधने के लिए, सेटलमेंट के लिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर कुछ ना कुछ हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जब दिल्ली से वापस आए राजधानी लखनऊ, तो सीधे कहां पहुंचे? सीधे पहुंचते हैं पीजीआई पहुंचते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह को देखने के लिए पहुंचे। सीएम पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर के धीमान और परिजनों से कल्याण के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी उन्होंने हासिल की है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती कल्याण सिंह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, उनकी तबीयत पहले जैसी बनी हुई है। आपको ये बता दें कि कल्याण सिंह को 4 जुलाई को नाजुक अवस्था में पीजीआई शिफ्ट किया गया था। क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट उपचार में लगी हुई है। करीबन 4 दिन बाद कल्याण सिंह की तबीयत में काफी सुधार बताया जा रहा है, लेकिन 17 जुलाई को सांस लेने में तकलीफ हुई, ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनको रख दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से शिष्टाचार भेंट करी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही है। यही वनवास खत्म करने के लिए, अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिहाज से संघर्षरत भी है। कांग्रेस 30,000 ग्राम सभाओं
और वार्डो में जय भारत महासंपर्क अभियान चला रही है। आखिर क्या है इस अभियान का औचित्य और क्या है इसका लक्ष्य? अगर आपको ये जानना है तो आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सियासी वजूद पर बनाई है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के अपने नेताओं को एसी के कमरों से बाहर निकालने, गांव और कस्बों में प्रवास कराने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्रों में पूरे 3 दिन तक प्रवास करेंगे। 3 दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें कांग्रेस ने करीबन 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश के गांव मोहल्लों में पूरे 75 घंटे बिताएंगे। इस दौरान नेता और कार्यकर्ता गांवों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। कांग्रेस के नेता इस अभियान के दौरान मेरा देश मेरा गांव कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर लोगों से संवाद भी करेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के गांव में प्रवास कर रहे हैं, तो पार्टी विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र रामपुर में है। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़, शीतलमऊ और सांगीपुर ग्राम सभा में 3 दिन प्रवास कर रहे हैं, तो संगठन महासचिव अनिल यादव आजमगढ़ के निजामाबाद के देवाबारी गांव में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर पूर्व सांसद और पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी भी गांव में 3 दिनों तक प्रवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूपी के इस बिगड़े हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। इस अभियान में पार्टी जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान देश के लिए क्या क्या किया। इस दौरान 2 पुस्तकों हम कांग्रेस के लोग और भारत के खिलाफ संघ का प्रचार के जरिए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता दूर हो चुके हैं। कांग्रेस का सियासी जनाधार खिसक चुका है और कोर वोट बैंक दूसरे दलों का दामन थाम चुका है। ऐसे में कांग्रेस के साथ सूबे में सपा और बसपा जैसे दल भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस अब अपने दम पर 2022 के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान गुरुवार और शुक्रवार को न्याय पंचायत से लेकर के ब्लॉक और जनपद स्तर पर चलाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मिर्जा अस्फाक सकलैनी ने बताया कि न्याय पंचायत अध्यक्ष की देखरेख में हमारे पदाधिकारी 3 दिन तक ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे तमाम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। लोगों से जुड़ने के लिए उनके परिवार में सामान्य रूप से भोजन भी करेंगे और उन्हीं के निवास पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानपुर, लखीमपुर, वाराणसी, ललितपुर और महोबा की। तो वही आज जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है, इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें अमेठी और बलिया की। तो सूबे में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई है। तमाम कांग्रेसियों ने, कार्यकर्ताओं ने, तो वही आज मुहर्रम का 10वां दिन आशूरा है और इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार भी मुहर्रम घरों में ही मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम की गाइडलाइंस भी जारी की हुई थी कि मुहर्रम में जलूस, ताजिया और अखाड़ों पर रोक रहने वाली है। हालांकि
एक मजलिस के दौरान 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि तमाम जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे इसमें कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नजर नहीं आया। ठीक वैसी कुछ तस्वीरें हैं जैसे सावन के सोमवारों में आप तस्वीरें देख रहे थे, वैसी ये तस्वीरें माहे मुहर्रम जलूस अशूरा की आप देख पा रहे हैं। बरेली, फरुखाबाद, कुशीनगर, लखनऊ, रामपुर, लखीमपुर, तमाम क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। कई क्षेत्रों में झड़प का भी माहौल देखने को मिला। ताजिया निकाली गई, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नजर नहीं आया, लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार कहीं ना कहीं गमी का त्योहार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीजें सारे रीति रिवाज निभाने चाहिए पर नियमों के साथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अरशद हमारे साथ में मौजूद हैं और आगरा से प्रदीप हमारे साथ में मौजूद हैं और बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद रहेंगे फजलुर रहमान। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, लखनऊ में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है अरशद? आज हजरत इमाम हुसैन अपने 70 साथियों के साथ कर्बला में शहीद हुए थे, जिसकी याद में आज मुस्लिम समुदाय खासकर शिया समुदाय जो है जुलूस निकलता है, 10 दिन मुहर्रम करता है और घरों में ताजिया रखा जाता है और आज के दिन में जुलूस से शाम सफर से जुलूस निकलता था। लेकिन कोरोना की स्थिति में लोगों ने घरों में ताजिया मजलिस मातम की है और बहुत से अकीदत के साथ आज ताजिया लेकर के गए हैं, कर्बला में ताजिया दफन किया है और वहीं पे जुलूस को नहीं निकाला गया है, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सारी चीजों का पालन करते हुए इसको निकाला गया है। ठीक है, हमारे साथ में आगरा से प्रदीप जुड़े हुए हैं। आगरा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं प्रदीप, क्योंकि कई जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ है? जैसे कल ही हम जो मुफ्ती है उनके खिलाफ धारा 144 के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आज मुहर्रम का त्यौहार है, देर रात से ही पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर की जा रही है, साथ में गाड़ी पर स्पीकर लगाए गए हैं और उसमें साफ साफ बताया गया है कि घर से बाहर नहीं निकलता है और जो ये त्यौहार है पवित्र त्यौहार है वो घर पर ही मनाना है, इसको लेकर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं और दो दिन पहले ही डीएम प्रभु पीएन सिंह ने कार्य 144 लागू कर दिया है, इसलिए सारी चीजें प्रशासन की नजर में है और बहुत ही संजीदा तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाए। ठीक है, फजलुर रहमान हमारे साथ बरेली से हैं, बरेली में कैसी हलचल है फजल? क्योंकि बरेली तो गढ़ है और ऐसे में वहां से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी पूरे सूबे में फॉलो होती हैं। ये आपको बताना चाहूंगा कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है, आज ही के दिन इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, इसी के चलते मुहर्रम की 10 तारीख को ही अतरे का दिन कहा जाता है और आज से जितनी ताजिए जगह जगह से इकट्ठे होकर पूरे शहर से इकट्ठे होकर और गाँव से भी इकट्ठे होकर कर्बला की तरफ जाते थे और कर्बला में जाकर उनको दफन किया जाता था, इसी के चलते अब पुराना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, इसी के चलते आज। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वही आपको बता दें तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बरेली, फरुखाबाद, कुशीनगर, लखनऊ, रामपुर और लखीमपुर की तस्वीरें हैं, माहे मुहर्रम जलूस अशूरा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नजर नहीं आया, 50 लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी वो भी नजर नहीं आ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहां से आ रही एक एक तस्वीरें दर्द भरी हैं, नई कहानी बयां करती हैं दर्द की, लेकिन ऐसी जमात भी हिंदुस्तान के अंदर है कि उनके टेरर में समर्थन दे रही है जो तालिबान की भाषा बोल रहे हैं, सुनिए। वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसर सामानी के बावजूद उनके आजम हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह और गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब और वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है बल्कि कौमी इरादे से है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। देखिए जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुर्दस है,
20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बर्तानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं। वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमीरपुर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कुल 94 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मौर्य का भाषण चुनावी चाशनी में सिमटा हुआ था। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, साथ ही उन्होंने तालिबान प्रेमियों पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा सुनिए। मानसिकता के लोग अगर कोई भी भारत में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से अपना रिश्ता नाता रखते हैं, अगर कोई तालिबान का समर्थन करता है तो समझता हूँ भरगोरी का आचरण करता है और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। बहुत से यूपी में भी चेहरे आए हैं सामने जो समर्थन कर रहे हैं। जो भी यूपी की ही मैं बात कर रहा हूँ, भारत सरकार इतने योग्य ढंग से अफगानिस्तान में पैदा हुई परिस्थिति का सामना कर रही है और ऐसे समय में तालिबानी मानसिकता से प्रीत होकर के क्या लगता है कि उनसे ऐसा अच्छा लगता है जाए तालिबान के शासन में, अफगानिस्तान जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुको का देवभूमि का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो सुबह करीबन 10:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। के बाद दोपहर करीबन 12 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां वो कई बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शिरकत कर रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन लगातार जारी। 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर, देहरादून और हरिद्वार की। पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? नड्डा इस समय हरिद्वार में हैं और कहीं ना कहीं पूरे सूबे में कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल दौरे पर है और बात की जाए तो फिलहाल उनकी गोल्डमिन होटल हरिद्वार में अहम बैठक जारी है। बात किया तो पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक की है। बैठक में किस तरह का जो पदाधिकारी में वोट भरने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है बीजेपी, उनमें लगातार जोश देखने को मिल रहा है। बात किया तो फिलहाल अगर बैठक की तो फिलहाल गोल्डन होटल में बैठक जा रही है, जिस बैठक में जो है तमाम जो विधायक है, मंत्री है और उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री है, पूर्व जो मुख्यमंत्री है, वो भी बैठक में मौजूद है। अगर फिलहाल का दौरे की अगर बात करिए जेपी नड्डा के, तो कहने से 2022 जो विधानसभा चुनाव उससे जोड़कर देखा जा सकता है। उसकी रणनीति फिलहाल जो है गोल्डन होटल हरिद्वार में बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा लगातार विकास का नारा को लेकर आगे चल रही है, तो वो भी जो है जो विधायक है, जो मंत्री, उनका भी वो जो है रिपोर्ट कार्ड है कि किस तरह से क्षेत्र में विकास हुआ है, उत्तराखंड में विकास हुआ है, उनका भी वो रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं। फिलहाल जो है 11 ऐसी बैठक है जो जेपी नड्डा के द्वारा उत्तराखंड में की जाएगी, किस तरह से जो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठनात्मक बैठक के अलावा साधु संतों से भी आशीर्वाद लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा जब यहाँ से जाएंगे तो इस मंथन से क्या मत के बाहर आएगा, क्या मंत्र बाहर आने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और ऐसे में भाजपा उत्साहित भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि इस दौरे से राज्य हित में कुछ नहीं निकलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं। तो कांग्रेस का कहते हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बहुत हम यहाँ का उनको उसको सेकेंड होम समझना चाहिए, मगर एक बात भाजपा के नेता भी उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके हर दौरे में, हर प्रयास में उत्तराखंड की डबल इंजन फेल हो चुका है। अब उत्तराखंड की जनता इस डबल इंजन की सरकार को भाजपा केवल चुनावी मशीनरी बन करके उनके पास लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कोई कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी के पास कांग्रेस अपना काम कर रही है और भाजपा
तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही उत्तराखंड के कितनी बार दौरे करने लेकिन आपके पास जीत को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। जनता अपनी बातें पूरी बात समझ चुकी है। कैमरा मैन रूपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है लेकिन कांग्रेस के अंतर कला भी बाहर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से बेरोजगारों को पार्टी से जोड़ने की कवायद जो आज शुरू होने वाली थी, बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम का आगाज होने वाला था, लेकिन इस मुहिम को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कांग्रेस मुख्यालय से शुरू करने वाले थे, लेकिन फिलहाल यह अभियान परवान चढ़ता नजर नहीं आया क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीते रोज अपने आवास से ही इस अभियान का आगाज कर दिया। और सवाल ऐसे में ये कि कांग्रेस में अंतर कला है क्या? वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।